गंजाम जिलार ब्रह्मपुर निकटस्थ आउ एक प्रसिद्ध शैवपीठ बाबा धवलेश्वर पीठ यही स्थान प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर थिबा काजु और झाऊ जंगल परिवेष्टित बंगोपसागर कूल विस्तीर्ण बालुका भूमि सहित करुणार अवतार भक्त सबु दुख बुझा निम्ते साक्षात विराजमान करवा धवलेश्वर जो जगार से कलागाईटी धला रंग परिवर्तन होता से ही जगार नाम धवलेश्वर नामक नामित तो है। नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु पुणि थे भिलेज विजिटर्स धर्मर मस कार्तिक मस स्पेशल एपिसोड रे आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। दर्शक बंधु वर्तमान अच्छु आम आम गंजाम जिलार रंगेलुंडा ब्लॉक अंतर्गत गोलाबंध स्थित भगवान देवदेव महादेव धवलेश्वर पीठ। दर्शक बंधु एठा को आसे हेले आम ब्रह्मपुर ठारु 15-18 किलोमीटर अतिक्रम करिया पड़ियो ता सहित जो ब्रह्मपुर गोपालपुर जीवाप सीधा सड़क रूट रही रूट रु आर्मी एडी कॉलेज जो गेट रही गेट पाखु आम राइट साइड 9 किलोमीटर अतिक्रम कले भगवान देवदेव महादेव धवलेश्वर यही पीठ को आसी पारिबा। दर्शक बंधु यही पीठ संपर्क में किभली भाव भगवान देवदेव महादेव धवलेश्वर एठार आविर्भाव हेले आउ कौन किंबदंती रही सहित यही पवित्र मास कार्तिक मास रे भगवान किभली भाव यही पूजा नीति कराए से संपर्क में संपूर्ण भाव आम जानापी चेष्टा करवा सहित महाऋषि अगस्त्य मुनि एठार किभली भाव संपर्क रही से संपर्क में दर्शक बंधु पूरा विस्तृत भाव आम आलोचना करा चाहे ता पूर्व गोटे कथा कहवा चाहूँगी जदि प्रथम थर पर आम चैनल को आप विजिट कर वीडियो देखते हैं आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी बटन दबे आपंकर प्रियजन और सांगसाथी मान सहित वीडियो को शेयर करने को जमार भूलें। हाँ दर्शक बंधु जो मैंने भी बर्तमान आम वीडियो देखुं भगवान धवलेश्वर एमती ही आपन को आशीर्वाद प्रदान करूँ समस्त जगतर मध्य मंगल करूँ एति कही चलत भगवान देवदेव महादेव धवलेश्वर को दर्शन कर आसवे। दर्शक बंधु देखिपुर थे लेखा श्री धवलेश्वर मंदिर को 9 किलोमीटर रास्ता आउ एपटे लेखाई तो ओडिशा टूरिज्म एटी पूरा से साइनबोर्ड में मेनसन कराई 9 किलोमीटर जीवन रास्ता एपटे देखिपुर थे गोपालपुर मिलिटरी स्टेशन बा लेखा आर्मी एयर डिफेन्स कलेज एपट जो जामें आर्मी एयर डिफेन्स कलेज अच्छे बर्तमान आम ब्रह्मपुर आसलु ब्रह्मपुर गोपालपुर जंक्शन देकी बर्तमान यही रास्त आम आसलु आउ यो देखुं ठीक मो सामन जो रास्ता देखुं यही रास्त आम जो जी भगवान धवलेश्वर टेम्पल को आम जापर आउ आर्मी एयर डिफेन्स कलेज अच्छे चलत जा एंट्री करिया। दर्शक बंधु बाबा पीठ को बर्तमान आम आसी आसला पूर्व फास्टे बाइक पर गोटे टिकट काटिदेवे टिकटर मूल्य था 10 टा आउ 10 टा पर बाइक पार्किंग आम करदेलु आर्तमान जावाक बढ़िया दर्शक बंधु देखो आम एंट्री हालापर जो पूरा आमको स्टल जाक देखा जा सब जाक भगवान भोग सामग्री आमको जहाँ भी किसी दरकार नड़िया कदमी ठू आरंभ करी जेकोसी सामग्री दरकार बर्तमान आम जदि यही जगह को आसपर ताल आम पाई दर्शक बंधु पूरा उभय पार्श्वर आम देखिपु विभिन्न प्रकार पूरा खेलना सामग्री मिलू आ खेलना सामग्री आरंभ कर पूरा घर करना जिनस एभेलेबुल होभय पार्श्वर पर बहुत पसरा पड़ी आम देखा पाचे आठार तो पूरा स्टेशनरी आम जिन जहाँ भी किसी दरकार हम से सब मानने बहुत प्रकार भेरइट प्रकार जिन मिलूँ आम भगवान को दर्शन करने पूर्व यही रास्ता ही दे कि आम जावाक पड़ी था बहुत सारा लोक तो आसमर तो बर्तमान तो समय हो गला 12 पर सत्वे पूरा श्रद्धा भिड़ कि तो अलग प्रकार आम देखा पाच पूरा सेल्फी स्पॉट सेपटे पूरा भगवान दर्शन करने सहित एपटे देखते दर्शक बंधु किभली भाव कराई जे अगस्त्य मुनि धानमग्न अवस्था अच्छा तापर पर भगवान
दर्शक बंधु सेपटे प्रभु देवदेव महादेव धवलेश्वर को तो दर्शन कले कि आम सहित आज्ञा अच्छा आम मंदिर आज्ञा जे सेवायत आज्ञा अच्छा पचार बुझा से कौन कौन आज्ञा नमस्कार आम यूट्यूब चैनल विलेज विजिटर्स को आपको स्वागत जनाऊँ प्रथम परिचय देना आम दर्शक बंधु मान मु धवलेश्वर मंदिर पूजारी सेवायत 2009 मु बाबा सेवा कर अशोक कुमार रणा आबा बहुत गुडा महिमा गुड़ा रही है विश्वास कर धवलेश्वर हूँ अगस्त मामुनि स्थापन करते धवलेश्वर त्रेतायुगर मंदिर से धवलेश्वर ना ये एमती है जे गोटे कला गाई गोटे धला है से ना धवलेश्वर आज्ञा विशेषकर पवित्र कार्तिक मसरे भगवान धवलेश्वर सेवा नीति कमी कौन चलती हाँ कार्तिक मस भोर तीन टूम मंदिर कबाड़ फुटा हो सन्ध्या सतटा आलती सन्ध्या आलती हो हाँ आज्ञा भगवान किंबदी कौन रही कि भगवान एटारे किभली भाव आविर्भाव हेले आम कहीपर जे सेपटे बंगोसागर विस्तीर्ण जलभूमि एटार भगवान विराजमान कर बाबा धवलेश्वर जेहतु धवलेश्वर अगस्त मामुनि स्थापन करते अगस्त मान मामुनि स्थापन तार गोटे किंबदी अच्छे किंबदी हूँ गोटे विंध्याचल पर्वत और हिमालय पर्वत दुटा पर्वत थे दुटा पर्वत थे दुटा पर्वत भितर आम हिमालय पर्वत सब बड़ पर्वत राजा भितर हिमालय पर्वत हो प्रथम बड़ जो हिमालय पर्वत तपस्या कर ब्रह्मा को विंध्याचल पर्वत तपस्या कर ब्रह्मा को दु जन जो तपस्या करे बहुत काल बहुत वर्ष तपस्या कला ब्रह्मा प्रसन्न होते प्रसन्न हो बर देवाई चाहते प्रथम जाते हिमालय पर्वत पाखु जाइए जाकि हिमालय पर्वत पचारे एत वर्ष धरी मत जो तपस्या कल तार कारण कौन पचारे पचारे हिमालय पर्वत कहते ना मोर सीन किसी उद्देश्य ना किसी कारण ना खाली दर्शन पाई बोली आपको खाली तपस्या करती खाली आ मोर सीन किसी उद्देश्य ना हाँ ठीक अच्छे किसी आशीर्वाद देवे जाकि आसते विंध्याचल पर्वत को जेहतु दुजा पर्वत एक सागर तपस्या करते हैं विंध्याचल पर्वत पाक जो आसे ब्रह्मा से विंध्याचल पर्वत पचार थे ना कौन पाई तुम मत तपस्या कल विंध्याचल पर्वत कहते हैं ना जिते आम पर्वत अच्छे पर्वत राज अच्छे सब हिमालय पर्वत बड़ बड़ कि मत बड़ चाहिए मत यहाँ बर दिं ब्रह्मा तथास्तु बेल थे बर दे पलि थे विंध्याचल पर्वत तो विंध्याचल पर्वत से काल क्रम बड़ जाते मात्रा बड़ ही जे सूर्यों किरण दक्षिण सैड पूरा गुड साइड पल्ला गुड साइड अंधार अंधार कर देती माने सुजी मते तांके घुड़े देती एटा अंधार कर देतिबो हां हां जा फुल दक्षिण साइड हमर पूरा अंधार होई जाइतिओ हां तो अंधार होइले उडे संतुलन ठीक रहियो नि गिर जियो प्लस राक्षस सोनरो आविर्भव बेसी मात्र रहबो तो से टाइम रे जेतो राक्षस आविर्भव बेसी थियो सतो समस्त मुनि ऋषि मान जाईरी ब्रह्मा को इते ना तमे कोन बर देलो जे आउ विंध्याचल पर्वत पूरा दक्षिण सेट अंधार कर रखी कहते डाउन नीच टे सूर्य किरण आस ब्रह्मा तो कहते मुझे किसी कर पारे गुरु होते अगस्त्य मुनि जाए ठीक हम कथा मान तो अगस्त्य मुनि को पठे थे पर्वत पाक विंध्याचल पर्वत पाक अगस्त्य मुनि समस्त गुरु होते फर्स्ट प्रथम जी हिमालय पर्वत पाक जी हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत प्रणाम कर आशीर्वाद करिए अगस्त मुनि से विंध्याचल पर्वत पाक आसे विंध्याचल पर्वत जो प्रणाम करिए तो गुरु जो प्रणाम करते मुंडा गुरु पाद तले रोच कि विंध्याचल पर्वत एत बड़ ही थे जे गुरु पाद तले मुंड लगे प्रणाम कर तो से टाइम अगस्त मुनि कहते ना तुम प्रणाम कले तुम मुंडा मो तले लगे गोटे तले तो से टाइम प्रणाम करते नुईंग प्रणाम करते तो से आशीर्वाद दे थे ना तुम मुसला पर्यत पृथ्वी परिक्रमा कर आसला पर्यटन तुम इंदिगा रही थोड़ा डाउन उच्चता मानते कमी सूर्य किरण आस सबकि अगस्त मुनि बाहर थे भ्रमण दक्षिण सैडटा जिते भ्रमण कर जो जो जगह रही रही जाइए से जगह गोटे शिवलिंग स्थापन करके पथर पलट जाए अगस्त महामुनि स्थापन करती अच्छे दर्शन देखु पूरा कल्याण मंडपर मध्य सुविधा रही जो मैंने कि भक्त मैंने प्रसाद सेवन रोसईर व्यवस्था करवाक चाहूँ
सेठार पूरा जगह पूरा बहुत बढ़िया अच्छी आप चाहिए पूरा संपूर्ण भाव रोष कर प्रसाद सेवन करें। दर्शक बंधु आउ किछि बाट परे बंगो सागर पड़िब आज्ञा जो भली भाबे कहुथिले आमे जहाँ भी सुनिया पें चेष्टा करथुलु जे एही परिसर रे भगवान कर एही मंदिर परिसर मध्ये रे जो स्थान रे भी आमे जदि खोलिबा ताले खारी जल बदल रे मधुर जल आमे पाइबा बा जोडा कि आमे पीबा उपयोगी होइथाय सेही जल आमे खोलिले आमे मिलियो सेटा होउछि आमे कहि परिबा जे भगवान कर ही एठारे चमत्कार भगवान करे ही एठारे महिमा अच्छे आम दर्शक बंधु कहीपरिया आउ अल्प किसी बाट जदि आम जाने विस्तीर्ण से जलभूमि से प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर थी बंगोसागर अनुभव कर दर्शक बंधु सेपटे दर्शन कर सारापर एपटे पूरा समुद्र बेलाभूमि किसी समय मुहूर्त तो बीतवाक निश्चय इच्छा हो आपण जब आसती भगवान धवलेश्वर को दर्शन करने दर्शन कर सारापर यह बेलाभूमि की थरटी आसतु तापर कि भाव आपण को अनुभव हो दर्शक बंधु कमेंट मध्यम निश्चय कहे पूरा खरा तो होठार सेमती किसी अनुभव होबल खरा है भाया पूरा पर्यटन मैंने पूरा तो मजा उठाऊँ आपण शीघ्र आसतु भगवान को दर्शन करूँ एठार टे समय बीतां व्यस्तमूल समय मध्य आउ चल जा आगे बढ़िया आज्ञा नमस्कार आम यूट्यूब चैनल विलेज विजिटर्स को आपको स्वागत जनाऊँगी प्रथम परिचय धाय नित्य महेशम रजत गिरी निभम चारु चंद्रावतासम रत्न कल्पो ज्वलांग परसु मृगवरा भीति हस्तं प्रसन्न पदमासीन समन्तात स्तूत ममरगन्ने व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिल भवभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं जय बाबा धवलेश्वर मु धवलेश्वर मंदिर पूजक ये विगत दस वर्ष है पूजा कर मंदिर आम सहित मिशिले से कहते जो हिमालय और विंध्यगिरी पहाड़ से किभली भाव ब्रह्मा को प्रसन्न एवं जो अगस्त्य मुनि थिले से तांकर किभली भाव जो विंध्यगिरी पहाड़ों सहित साक्षात होता से संपर्क कहते किंतु आम जाना चाहूँ आम दर्श बंधु मान जाना चाहूँ जे भगवान देवदेव महादेव धवलेश्वर एठार किभली भाव आविर्भाव हेले आउ भगवान एठार नाम कालर आविर्भाव होती आज धवलेश्वर नामकरण करमती किसी कौन तात्पर्य रही संपर्क आम दर्श बंधु आपण तो जहाँकि पूर्वर शुणी से भाई कहते कि जे अगस्त्य महामुनि आसिकी से मध्यप्रदेश मालवा सहर रु बाहर थे मध्यप्रदेश मालवा सहर रु दक्षिण अभिमुखे जात्रा करी करी जेहेतु तांकर स्त्री कावेरी नदी थी कावेरी नदी सह से चली चली आसी केरल कन्नूर ठारे से निजर शेष निश्वास त्याग करते से प्रकार से जो जीवा समय रे जो जो स्थान रे से रात्रि जापन करुले आग सप्तषि मान भितर गोटे महान ऋषि थे एवं परम शैव भक्त थे जहाँकि तो से शैव भक्त अनुसार से जिते पर्यंत शिवंकर पूजा आराधना करना से पर्यंत से कौन सी अन्न जल से जमा भी ग्रहण कर तेणुक जोबले अगस्त्य महामुनि आसुच्च जो रात्रि जापन करेठे गोटे पर सका गोटे बालुकार गोटे लिंगटे सेठे बालुका लिंगटे सेठे पूजा अर्चना करी प्राण प्रतिष्ठा करवाप निजर भोजन ग्रहण करते कालांत क्रमे जो जो स्थान से जो बालुका लिंग गुड़िक कालक्रमे गोटे प्रस्तर रूपरेख नाला प्रस्तर रूपरेख नहीं कि से एक मंदिर सेठे गोटे छोटे छोटे मंदिर टे गढ़ी तोली उठी केतेक भी सेमती यू पूरा दक्षिण अभिमुखे पूरा आंध्र देखिए केरल कन्नूर पर्यटन जाते जीवा समय से कौन कर मंदिर गुड़िक तो करते कि कालक्रमे जेहेतु समुद्र निकटवर्ती अंचल बालुकामय अंचल विस्तीर्ण बालुका राशि मध्य से मंदिर गुड़िक सब घोड़े जाऊला यार बहु वर्ष पर एठारे गोटे गोलाबंधर गोटे गोला गोला पिलाटे मानने गोला मैंने आप जो मैंने आग मईसे मेढा चलाउले रखुले एवं कौट रखुच्च जो मैंने कि आग रखुले मेढा हरका से मैंने सब मईसी रखती तो से समय कौन है गोटे अंध से आलुअर आलोकीकरण ना ग्राम गुड़िक पूरा अनुन्नत अवस्था थी
ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚୋରଟି ଆସିଛନ୍ତି। ଚୋରଟି ଆସିକି ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାଳ ଘର ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଗାଁଟିଏ ନାହିଁ, ତ ସେ ସେଠୁ କ'ଣ ଚୋରେଇବ ଭାବି ଭାବି କିଛି ଆଉ ପାଇଲାନି, ଉପାୟ ନ ପାଇକି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ବଳା ଗାଈଟିକୁ ଧରି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧକାର ରାତି ଥିଲା, ସେ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି ଥିଲା, ଅନ୍ଧକାର ରାତି ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଅନ୍ଧାରରେ ଯଦି ବଳା ଗାଈଟିକୁ ନେଇଯାଏ ତେବେ କେହି ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିବନି, ତ ସେଭଳି ଭାବିକି ସେ ବଳା ଗାଈଟି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଗ ମାଟିର ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯେଉଁ ଝରକା ଦୁଇଟା ଏମିତି ବାଡ଼ି ଥାଏ, ଗୋଟେ ଝରକା ହେଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜୋରରେ ଚିଲେଇଛନ୍ତି କି ଚୋର ଚୋର ବୋଲି। ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଚିକ୍ତାରକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଚୋରଟି ନିଜେ ପୁରା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେ ଧରିକି ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଶାଲ ଧରିକି, ଆଗ ମଶାଲ ଥିଲା, ମଶାଲ ଧରିକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଦୌଡ଼ିବା ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି କି ମହାଦେବ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ଚୋରି କରିନି, ଏଥର ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ବିକଳର ଆତୁରତାର ସହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କଳା ଗାଈ ଥିଲା, ସେ କଳା ଗାଈଟି ଯିବା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଠାର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଚୂଳ ଥିଲା ସେଇ ଚୂଳଟିକୁ ବାଜିକି ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ସେଇ କଳା ଗାଈଟି ଧଳାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଜାଗାର ନାମ ଧବଳେଶ୍ୱର ନାମକରେ ନାମିତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁନ୍ନତ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଛାଉମୟ ପରିବେଶ, ବାଲୁକାମୟ ପରିବେଶ, ସମୁଦ୍ର ଜଳରାଶି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଏଥିରେ ଏଇଟା ଅଛି ଯେ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମୁଦ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ଏଇ ମନ୍ଦିରର ତଳେ ସମୁଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଖୋଳିବେ ସେଠାରେ ମିଠା ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖୋଳିବେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରର ପରିସୀମା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖୋଳିବେ ମିଠା ପାଣି ବାହାରୁଛି। ସେଇ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଗୋଟେ କେଉଟ ଗ୍ରାମ ଅଛି, ସେଇ ଲୋକମାନେ ସେଇଠାରେ ଲୁଣି ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଠାରୁ ଆସିକି ପାଣି ନେଇକି ଯାଇକି ସେଭଳି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ଵ ମନ୍ଦିରର, କ'ଣ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ଆପଣଙ୍କୁ 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭିବ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ କେବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଶୁଭିବନି, କେତେ ବଡ଼ ଗର୍ଜନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି, ତାହାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ମହିମାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବାନି। ଏ ଆକାଶ ଭଳିଆ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ସମୁଦ୍ର ବାଲି ଭଳିଆ ଅଗଣିତ, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ଯେତିକି ଆମେ ଯାହା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛୁ, ଆମେ ଯାହା ଖୋଜିବାର କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାମୁନି ଅଗସ୍ତି ମହାମୁନି କିଭଳି ଭାବେ ସେ ଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚୋରର କଥା କହିପାରିବା, ଚୋର ଆଉ କଳା ଗାଈର କଥା କହିପାରିବା, ସେ କଳା ଗାଈ ଭଳା କିଭଳି ଭାବେ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ତ ମହିମା ଅପାର। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ମାନେ ବହୁତ ଲକ୍ଷାଧିକ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସିକି ବହୁତ ଜଣ ଏତେ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗ୍ରୋ କରୁ, ଆପଣ ବହୁତ ନାଁ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ, ଆଜ୍ଞା ତ କହୁଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଟ୍ ରଖିବା। ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆଉ ଏବେ ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସୋମବାରର ପ୍ରଥମ ପାଳି, ଆଜି ଆହୁରି ତ ଅଛି 3ଟି ପାଳି ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତମୂଳ ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିଟା ସମୟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆମର ଗୋଳାବନ୍ଧସ୍ଥିତ ଭଗବାନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଥରୁଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଯାହା ବି ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଥରୁଟିଏ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦର୍ଶନ କରେ ତା'ର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା।